फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 7th चैप्टर मजा आया होगा। सो चलिए 8th चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था योल कोंगसू का फोन काट देता है। तभी योल का फ्रेंड बाहर आके कहता है, योल तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो अंदर आओ और कुछ काम कर लो। तभी योल कल रात का सीन याद करता है, जब डोंग हुक ने कोंगसू को चिक पर किस किया था। ये याद करके योल को बहुत गुस्सा आता है और वो स्मोक करते हुए कहता है, क्या दर्द है। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 8th चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम डोंग हुक को देखते हैं जो के सेक्स वीडियो दिख रहा होता है। वो वीडियो देखते हुए डोंग हुक सोचता है, ये सेक्स है या टॉर्चर? क्या ऐसे ही सेक्स दो मैन आपस में करते? मुझे तो ये सोच के टेंशन हो रही है कि मैं ये सब कोंगसू के साथ करने वाला हूँ। ये सोच के डोंग हुक ब्लश कर रहा होता है और उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। तभी डोंग हुक की सिस्टर वर्क से घर आती है। डोंग हुक को देखकर डोंग हुक की सिस्टर कहती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, वो भी अकेले? डोंग हुक कहता है, ओह नूना तुम आ गई। वेल नूना। तभी डोंग हुक की सिस्टर कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तभी डोंग हुक शर्मा रहा होता है। डोंग हुक की सिस्टर कहती है, अब बता भी दो। तभी डोंग हुक कहता है, नूना आजकल मैं किसी को देख रहा हूँ। डोंग हुक की सिस्टर कहती है, हाँ क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई? तभी डोंग हुक कहता है, वो बात है कि वो उस पर्सन के पास मुझ से भी ज़्यादा नॉलेज है, या शायद उसके पास मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये सुन के डोंग हुक की सिस्टर कहती है, अच्छा मैं समझ गई, उस पर्सन का एक एक्स है, राइट? और तुम डरे हुए हो और साथ ही साथ एम्बेरस भी, इस वजह से कि तुम उस एक्स से अपने आप को कंपेयर कर सकते हो या नहीं। ओहो मेरा भाई कितना बड़ा हो गया, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं श्योर हूँ कि तुम उस एक्स से तो बहुत ही अच्छे होंगे, बस अपने दिल की सुनो, ओके? ये सुन के डोंग हुक शर्मा रहा होता है और फिर अपने मम्मी सोचता है, डूडा सही है, मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। तभी डोंग हुक कहता है, क्या तुमने डिनर किया डूडा? क्या मैं तुम्हारे रामेन बना दूँ? ये सुन के डोंग हुक की सिस्टर कहती है, लगता है तुम्हें मेरी एडवाइस अच्छी लगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक कॉफ़ी शॉप देखते हैं जहाँ कोंगसू और डोंग हुक होता है। डोंग हुक अपने फ़ोन में एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा होता है। तभी कोंगसू कहता है, तुम सडनली पार्ट टाइम जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? डोंग हुक कहता है, क्योंकि तुमने मुझे कहा था। ये सुन के कोंगसू थोड़ा चौंक जाता है। तभी कोंगसू कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था। डोंग हुक सोचता है, अब मुझे कोंगसू की नज़रों में एक डिसेंट गाय बनना होगा ताकि मैं उसके एक्स से बेटर बन सकूं। तभी कोंगसू सोचता है, ये लड़का भी ना, वेल तुम्हारी जॉब के लिए तुम्हें गुड लक, अब मुझे कन्वीनियंस स्टोर जाना होगा। ये सुन के डोंग हुक कहता है, ओ हाँ आज से तुम्हारा आफ्टरनून शिफ्ट चालू हो रहा है ना, सॉरी तुम्हें यहाँ रोक के रखने के लिए, बाय। तभी कोंगसू जाते हुए कहता है, डोंग हुक गुड जॉब। ये सुन के डोंग हुक ब्लश कर रहा होता है और साथ ही साथ मुस्कुरा भी रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद डोंग हुक जॉब ढूंढने जा रहा होता है और अपनी मम्मी कहता है, हाँ यहाँ कितने सारे पार्ट टाइम जॉब्स हैं, मैं कौन सा लूँ? जीस मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो मुझे ज़्यादा बिजी रखे। शायद मुझे ये प्लेस पर कॉल करके देना चाहिए। तभी एक ब्लैक कलर की कार आ रही होती है और डोंग हुक के साइड में ही रुक जाती है। डोंग हुक उस कार को देखता है। तभी सडनली उस कार में से दो लोगों के हाथ बाहर निकलते और वो डोंग हुक को अंदर खींच लेते हैं। तभी अंदर पुल करने की वजह से डोंग हुक के हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। एक्चुअली उस टाइम डोंग हुक का किडनैपिंग हो गया होता है। फिर डोंग हुक को लेकर वो कार जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। तभी हम कोंगसू को देखते हैं जो सोचता है, क्या पता डोंग हुक को पार्ट टाइम जॉब मिला भी होगा या नहीं। तभी कोंगसू कस्टमर से कहता है, ये लीजिए आपके 500 वो चेंज। तभी सडनली कोंगसू का फ़ोन बज रहा होता है। तभी कोंगसू वो कॉल उठाते हुए कहता है, डोंग हुक क्या तुम्हें पार्ट टाइम जॉब मिल गई? एक्चुअली वो कॉल डोंग हुक का नहीं, योल का होता है। योल कहता है, ये मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलने अभी के अभी आओ। ये सुन के कोंगसू को गुस्सा आता है और वो कहता है, कल मैंने तुम्हें क्लियरली समझा दिया था, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तभी योल के साइड से किसी पर्सन की वॉइस सुनाई देती है। वो वॉइस सुनकर कोंगसू सोचता है, ये वॉइस तो डोंग हुक की है। तभी योल के दोस्त कहते हैं, हे उसे और इसकी आवाज़ सुनने दो ताकि वो यहाँ और जल्दी आ सके। तभी वो लोग डोंग हुक को मार रहे होते और डोंग हुक जोर जोर से खांस रहा होता है। तभी योल कहता है, क्या तुम्हें पता है वो मॉर्टल जहाँ हमने 3 साल पहले वो वाइल्ड नाइट गुजारी थी?
हम उसी कमरे में हैं, तो जल्दी आओ वरना तुम्हारा बॉयफ्रेंड मारा जाएगा। और तुम्हें तो पता ही है मुझे वेट करने की आदत नहीं है। ये सुन के क्वेंगसू बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागते भागते वहाँ जा रहा होता है। तभी यू डोंगहुई को किक मारते हुए कहता है, हे ब्रदर, तुम्हें दूसरों की चीज़ों पर हाथ नहीं डालना चाहिए, समझ गए? ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।